गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है हमारी? वॉइस आ रही है? ठीक है। सावित्री, सौरभ, ममता, अरुण, अभय, आकांक्षा, आशीष, भानु, पिंकी, रंजना, रितु, प्रिया, नवीन, राजरानी, देवेंद्र, दीक्षा, मंजय, अजीत, अमिता, अनीता, अंजना, विश्राम, हर्षवर्धन, हनी, हनी, कंचन, विश्वकर्मा, रोशनी साहू, श्रुति, सुमित, अमित, विमल, मांगी, उमेश, शिवप्रकाश, सुरदेश, काजल, हेमा, अनिल, अनुराधा, अंतिका, कृष्णा, कृष्णा, शिवरतन, गौरव, जगप्रकाश, मनीष, नीरा, पूजा, दिया, रोहित, शिवांग, सरस्वती, सब लोग ऐड हो गए हैं, जो रोज वाले हैं सब ऐड हो गए हैं। शिवांग, इमरान, आस्था, महिमा, अभिषेक, विनय, कुछ लोग अभी ऐड हो रहे हैं, बाकी सब जग गए हो सब लोग। जस्ट अभी जगते हो या पहले से जगे रहते हो, या क्लास जब होती है तुरंत बस 5 मिनट पहले ही उठते हो और बस सब बैठ जाते हो? ऐसे ही होता होगा। और क्या बुरा, चलो मध्यकालीन भारत की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें देखो कह रहे पहले से जग जाते हैं। अरे भाई बहुत बढ़िया, जो पहले से जग जाता है तो हाँ, अब कौन देखने जा रहा है भाई। तो मध्यकालीन भारत की बात चल रही थी, क्या बता दें, ममता विश्वकर्मा, ये ममता है कौन, इसके क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते, पता नहीं क्या क्या पूछती रहती है। सर राजपूत वाला सारा थ्योरी लिखना होगा। कौन सा राजपूत वाला, जो अभी सेंड किए हैं क्या व्हाट्सएप पे? अरे वो पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, उसमें कुछ चीज समझानी है, उसको बार बार पढ़ लेना केवल, कुछ मेन मेन चीजें इसलिए वो सेंड किए हैं, वो लिखना उखना नहीं है, ठीक है। अरे नहीं पूछो, हम ये नहीं कह रहे कि मत पूछो, लेकिन अब हम मैसेज ही नहीं देखे ना तुम्हारा कि क्या पूछ रहे हो, तो लो दिल पे। एक तो लड़कियों का ये है कि दिल पे बहुत जल्दी ले लेते हैं, अब ना पूछेंगे हम, हैं इनका जो हाल है ना इन लोगों का। तो अब ये जो असल में जो राजपूत वाला भेजे वो इसलिए भेजे हैं कि उसमें थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि जब ये मुगल काल का समय चल रहा है, मुगल सॉरी मध्यकालीन चल रहा है, मुगल तो आएंगे बाबर के समय, जब मध्यकालीन चल रहा है आपका, ये जब मुस्लिम अटैक हुआ है अरब और ये सब, तो इस समय राजपूत राजाओं का भी काल चल रहा है। देखो इसीलिए हमने ये जो चीजें थी वो प्राचीन भारत में नहीं पढ़ाई थी, हर्षवर्धन तक पढ़ाया था हमने केवल 647 ईस्वी तक, क्योंकि उसके बाद अरब आक्रमण शुरू हो गए थे। तो फिर हमने आपको कहा भी था कि जब अरब आक्रमण पढ़ाएंगे तो उसी समय आपको बता देंगे, क्योंकि जिस समय ये अटैक हो रहा है मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गोरी का, ये जो अटैक चल रहा है इस समय राजपूत काल चल रहा है, मतलब इसमें राजपूत राजा हैं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी सी जानकारी आपको उस राजपूत राजाओं की होनी बहुत जरूरी है कि कौन कौन उस समय थे जब ये आक्रमण चल रहा था। जैसे पृथ्वीराज चौहान का नाम आप जान ही गए हो कि मोहम्मद गोरी से युद्ध हुआ तो वो तो आपको याद ही रहेगा हमेशा, लेकिन इसके अलावा कौन था कि पृथ्वीराज चौहान तो मेन राजा थे, जो मेन थे, इसके अलावा कौन से ऐसे राजपूत राजा थे जो उस समय थे, जिन्होंने मतलब इन आक्रमणों को रोकने की कोशिश की थी, ठीक है, बट उतनी सफलता मिल नहीं पाई। तो उसलिए वो नोट्स हमने भेजे हैं आपको थोड़े से पढ़ने के लिए, थोड़ी सी जानकारी हम आपको उसमें दे देते हैं। देखो दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले हम आपको राजपूत राजाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी बता देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद राजपूत राजाओं का डिस्कशन करेंगे नहीं,
और ये राजपूत राजाओं का समय आपका ये गोरी के आसपास का ही समय है। जैसे दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या चल रहा है। जो 800 से लेकर 1200 ईस्वी का जो समय है, ध्यान सुनना, 800 से लेकर 1200 ईस्वी का जो समय है, अब देखो गजनवी का आक्रमण कब हुआ है, 1000 से लेकर 1027 तक, ठीक है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण कब हुआ है, तो मोहम्मद गोरी भी आपका 1173 में, आपके 1175 में मुल्तान पे आक्रमण कर चुका था और 1191-92 तराइन में कर चुका है। तो जो 800 से 1200 के बीच का समय है, ये राजपूत काल है। इसको बोलते हैं राजपूत काल, या एक प्रकार से कह लो पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल बोला जाता है और उसी में राजपूत काल बोला जाता है। तो ये जो 400 साल का समय चल रहा है, यही राजपूत काल है जिसमें राजपूत राजा होते हैं। अब राजपूत लोग कौन थे, तो देखिए राजपूत लोग को कहा जाता है कि एक्चुअल में जब हूणों का आक्रमण हुआ है, हूणों का जब आक्रमण हुआ था और कुछ आक्रमण हुए थे, तो उस समय कई इतिहासकार मानते हैं कि उनके समय जो लोग आए थे उनको यहाँ पर क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया था और उन्हीं लोगों को राजपूत राजा आगे जाकर के कहा गया है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। बट हमें उतना इसमें जाना नहीं है, हमें जो मेन चीजें वो समझनी है। अब मेन समझिए कि क्या है कि चार तरह के राजपूत राजाओं के वंश बताए गए। अब ये सब समझना, ये सब नोट्स में वही है, किताब जो भेजी है हमने, जो पेज भेजा है वो वही है, वो केवल लिखना नहीं है, समझ लो केवल, ठीक है। तो एक जो पृथ्वीराज चौहान के जो कवि हैं वो हैं चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई इनका नाम ध्यान रखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज चौहान के जो हैं सर, नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज। कोई कहता है व्हाट्सएप पे भेजो, तुम लोग यार क्या करते, चलो ठीक है टेलीग्राम पे भी भेज देंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं सुन पाए अभिषेक गुप्ता, तुम लोग का मैसेज भी मुझे बीच बीच में देखना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, सुन लो अब ध्यान से। तो पृथ्वीराज चौहान के जो कवि, मतलब उनके दरबारी हैं, वो हैं चंदवरदाई, चंदवरदाई इन्होंने लिखे पृथ्वीराज रासो। एक हम नोट्स आपको भेजेंगे जिसमें एक साथ सबका लिखा हुआ है, साहित्य और जो लेखक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अब हम ज्यादा डिस्कशन उसको करेंगे नहीं क्योंकि वो याद करना होगा आपको, ठीक है। उसमें क्या है कि दो तीन पेज का है, उसमें जो मेन मेन राइटर हैं, जैसे चंद्रवरदाई ने क्या लिखी है, पृथ्वीराज सो गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव ने, कालिदास ने कौन सी लिखी है, ये तो दो पेज है शायद, हमें लगता है दो या तीन पेज है, वो हम सेंड कर देंगे। उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना चाहे नोट कर लेना, उसको याद करना होगा आपको, ठीक है। तो चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है, और पृथ्वीराज रासो ही वो है जिससे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज्यादातर जानकारी मिलती है, ठीक है। तो चंद्रवरदाई ने एक उल्लेख किया है कि माउंट आबू जो, देखो हम पूरी चीजें समझा देते ना, हम थोड़ा समझा करो इस चीजों को, अब हमें एक दो लाइन में समझाना हमें अच्छा नहीं लगता कि वो सीधे रटा दें, थोड़ा समझो तो ज्यादा बेटर रहेगा, हो सकता है एक दो क्लास बढ़ जाए। तो चंद्रवरदाई ने एक उल्लेख किया है कि माउंट आबू पर एक यज्ञ चल रहा था। माउंट आबू जो राजस्थान में पड़ता है, गुजरात और उसके गुजरात के आसपास पड़ता है लेकिन वो राजस्थान एरिया है, ठीक है। तो माउंट आबू पर एक यज्ञ चल रहा था जिसको अग्निकुंड का सिद्धांत कहते हैं, अग्निकुंड का सिद्धांत। तो कहा जाता है कि वो जो अग्निकुंड जहाँ पे यज्ञ चल रहा था, वहीं से जो राजपूत राजाओं के जो चार वंश हैं उनका उदय हुआ है। एक है प्रतिहार, एक है परमार, मतलब परमार वंश है, प्रतिहार है, चौहान है और चालुक्य सोलंकी, ये चार मेन हैं। तो ये राजपूत राजाओं के वंश है। तो राजपूत राजाओं के वंश में जो देखने को मिलता है, तो वो आपका एक मिलता है चौहान वंश, जो चौहान लोग होंगे वो समझ रहे होंगे, तो चौहान, ठीक है। दूसरा है परमार वंश, तीसरा है गुर्जर प्रतिहार वंश, और चौथा है आपका चालुक्य या सोलंकी वंश। तो ये कुछ चार वंश माने जाते हैं जो आपके राजपूत राजाओं के हैं। और ये अग्निकुट का सिद्धांत कहा जाता है, किसने बताया है, चंद्रवरदाई ने बताया। बस थोड़ा सा पॉइंट याद रखना कि माउंट आबू पे एक यज्ञ चल रहा था जहां से ये कहा जाता है। अब यज्ञ चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यज्ञ से निकल के चले आए होंगे सब लोग, मतलब अब ऐसा थोड़ा कि चौहान उस यज्ञ में रहे होंगे और सीधे से बाहर निकले होंगे, चौहान पैदा हो गए, तो अब ये नहीं। एक अब थोड़ा समझने का फेर है, ठीक है। अग्निकुंड का सिद्धांत का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे पार्टिसिपेट वहां पे किए होंगे, इस तरह के पूर्वज रहे होंगे वो लोग, तो
और वहां से तो इन लोगों ने अपने अपने वंश का नाम दिया होगा, कुछ ऐसा है। ठीक है, समझ गए। तो राजपूत राजाओं में जो मेन वंश बताए हमने आपको, एक गुर्जर प्रतिहार, एक परमार, एक आपका चालुक्य या सोलंकी वंश, और एक आपका है चौहान वंश। तो इसमें से जो चौहान है ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार भी है, फेमस सभी हैं। ठीक है, चौहानों का जो शासन है वो अजमेर पर है, ध्यान रखिएगा, चौहानों का जो शासन है वो अजमेर पर है, और कुछ समय बाद चलकर वो शासन दिल्ली पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चौहान जो पृथ्वीराज चौहान है तो अजमेर पर भी है। अब ध्यान रखिएगा, जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराएगा तराइन के युद्ध में, तो उसके बाद आगे चल करके वो अजमेर पर अधिकार कर लेगा, जो मोहम्मद गोरी, अजमेर पर अधिकार हो जाएगा उसका, और अजमेर से ही शासन ये लोग जनरली कर रहे थे चौहान लोग, क्योंकि अजमेर के चौहान बोला जाता है। तो अजमेर पे इसका अधिकार हो जाएगा, दिल्ली पे इसका अधिकार हो जाएगा मोहम्मद गोरी का वगैरह का। ठीक है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से चीजें चल रही हैं आपकी। ठीक है, कहानी समझ में आई राजपूत के लिए। अब हम आपको वो वाला नोट्स दिखा देते हैं जो है, उसमें क्या पढ़ना है वो हम समझा देते हैं आपको जरा, तो उसमें पढ़ना क्या है वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देख लो, है ना, क्योंकि उसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजपूत काल, वॉइस नहीं आ रही क्या सर? वॉइस नहीं आ रही, हेलो आ रही है ना? हाँ तो यही है भाई। ठीक, चलो देखो जरा इसमें कुछ चीजें समझ लो। जब ये महमूद गजनवी वगैरह का आक्रमण हुआ है, ठीक है, और मोहम्मद गोरी का, तो उस समय राजपूत काल चल रहा है। आपको बता दिया कि 800 से लेके 1200 साल के बीच, 1200 ईस्वी के बीच का जो समय है वो राजपूत का समय है। तो ये अग्निकुंड का एक सिद्धांत कहा जाता है। ये अग्निकुंड का सिद्धांत, तो इसके बारे में किसने बताया है? वॉइस प्रॉपर नहीं है, क्या हो गया वॉइस को? वॉइस को क्या हो गया? नेटवर्क तो सही है नहीं। हेलो, तो वॉइस प्रॉपर है सर? या चौधरी वॉइस सही है सर? कुछ कह रहे हैं सही नहीं है, कुछ कह रहे हैं सही है, पहले लोग तय कर लो सही है कि नहीं है, पर हमको तो पता ही नहीं चल रहा सही है कि नहीं है, हम तो बोल ही रहे ना, तुम ही लोग बताओगे सर। नाउ इट्स ओके सर, ओ माय गॉड, ठीक चलो सर, प्रॉपर नहीं आ रही है वॉइस, खरखरा रहा है वॉइस सर, थोड़ी खरखराहट की आवाज आ रही है सर, खर खर की आवाज आ रही है सर। तुम लोग सारे जो जानवर की आवाज है ना वो सब बता देना, खर खर आ रही है, खर आ रही है, खर खर आ रही है, सब चल रही है। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत सही जा रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बात हमारी बस समझ में आनी चाहिए। वो समझ में आ रही है कि नहीं? वो ठीक है ना, थोड़ा बहुत शुरू करने दो यार। चलो देखो इसको जरा।
ये कह रहा है आपके पीछे टावर है इसलिए नेटवर्क सही होगा भाई, वो बिजली का टावर है हाई टेंशन वो वायर गया हुआ है। तो राजपूत चाहे जाने वाले, ये देखो ये एक सिद्धांत था अग्निकुंड का सिद्धांत, जिसको चंद्रवर दाई ने बताया हुआ है। बताया ना आपको कि चंद्रवर दाई ने बताया था ये अग्निकुंड का सिद्धांत, ये माउंट आबू पर मतलब वो योग चल रहा था, जहां पर बताया गया कि चार लोग नियम थे, एक कौन से हुए थे, एक परमार, परमार कहे गए, एक चौहान ठीक है, और एक आते थे चालुक्य या सोलंकी, चालुक्य ठीक है, और एक थे आपके प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। तो ये चार वंश जो ये ज्यादातर माना जाता है कि अग्निकुंड के सिद्धांत से ये लोग चार लोग आए थे, चंद्रवर दाई ने इस चीज को बताया है राजपूतों में ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। अच्छा अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा बस इसको पढ़ते जाना, चलो दो तीन बार पढ़ लेना सब याद हो जाएगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद, आपको हमने बताया था कि सबसे शक्तिशाली जो उस समय चल रहा था वो प्रतिहार था, जो कन्नौज वगैरह पे भी इनका अधिकार था, प्रतिहार वगैरह का राजस्थान के कुछ एरिया में था, गुजरात के कुछ एरिया में था और कन्नौज पर भी था। तो अरब आक्रमण जब हुआ है ना, जब अरब आक्रमण हुआ है 712 के आसपास उस समय, तो प्रतिहार वगैरह थे, गुर्जर प्रतिहार, इन लोगों ने बहुत ज्यादा उनको रजिस्ट किया और अरब आक्रमण को अंदर आने से रोका था। तो यही वो राजा थे जिन्होंने मतलब उनको अंदर नहीं आने दिया था अरब लोगों को, तो ये अरब वाले लोग जो थे वो उसी साइड रह गए। मतलब ध्यान दीजिएगा कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया है और ये, तो ये भारत में ये लोग नहीं आए हैं, ये लोग सिंध और पंजाब का जो एरिया था वही वाले एरिया पे कर रहे थे। भारत में एंट्री कब हुई है, जब ये गजनवी और गोरी आया हुआ है, तो उस समय जो था उसमें प्रतिहार साम्राज्य था, तो प्रतिहार साम्राज्य ने रोका था, बहुत ज्यादा रोका। लेकिन जब इसका विघटन हो गया, जब ये टूट गया प्रतिहार साम्राज्य, तो फिर छोटे छोटे राजा लोग आ गए जगह जगह। अब देखो कौन आया है जिसकी वजह से ये दिक्कतें बढ़ी। अब कौन आए तो सबसे पहले समझिएगा, बस ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखना कि कौन कहाँ पर है, बस इतना याद रखना। कन्नौज में शासन किसका चल रहा है, तो कन्नौज में शासन चल रहा है गहड़वाल राजाओं का, गहड़वाल। अब ये पॉइंट थोड़े याद रखने हैं केवल, ठीक है स्टूडेंट। कन्नौज में चल रहा है गहड़वाल का, गहड़वाल वंश का ही राजा है कौन, जयचंद्र, ध्यान रखिएगा। जयचंद्र जो है, जो जयचंद्र है वो गहड़वाल वंश का ही है, कन्नौज पे जिसका शासन चल रहा है ठीक है। तो कन्नौज पे जो शासन है वो गहड़वाल वंश का, वो जयचंद्र है। मालवा में परमार है, मालवा पड़ता है एमपी में ठीक है, तो मालवा में परमार राजाओं का शासन है, कन्नौज में गहड़वाल का है, अजमेर में चौहान है, तो अजमेर में जो चौहान है यही पृथ्वीराज चौहान है, जिसको पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे मेन लोगों में थे। अच्छा देश के दूसरे भागों में भी छोटे छोटे राजवंश थे। अब देखो ऐसा नहीं कि ये तो मेन ताकतवर लोग थे। अब कौन है, तो जबलपुर जो एमपी में पड़ता है कलचुरी वंश है, तो कलचुरी वंश था आपका जबलपुर के पास। बुंदेलखंड में चंदेल राजा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदेल राजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी होगी, आगे चल के हम समझा देंगे आपको चंदेल राजा कौन कौन थे ठीक है, लेकिन अभी आज हम इसको उतना डिस्कस नहीं कर रहे। तो बुंदेलखंड में आपके हैं चंदेल राजा ठीक है, गुजरात में जो है वो चालुक्य हैं, गुजरात में चालुक्य हैं, और दिल्ली में है तोमर, ध्यान रखिएगा। दिल्ली को बसाने वाले तोमर वंश के लोग हैं, बाकी लोग आकर के दिल्ली पे केवल शासन कर रहे हैं, जबकि दिल्ली को बसाने का श्रेय जो जाता है वो तोमर वंश को जाता है ठीक है। तो पहले गोरी वोरी जो आए हैं इनका अधिकार होने से पहले उस पर तोमर वंश का शासन चल रहा है, तो ये राजा लोग वहां पर शासन कर रहे हैं, बात समझ में आई। तो जब ये अटैक हुआ है गजनवी और ये गोरी वगैरह लोगों का, तो इस समय राजपूत राजाओं का ये शासनकाल चल रहा है। शुरुआत में जब अरब आक्रमण हुआ है, तो उस समय गुज्जर और प्रतिहार ये बहुत शक्तिशाली थे, और इन्होंने लगभग उत्तर भारत को एक साथ बना के रखा हुआ था ठीक है। लेकिन जब ये लोग टूट गए या कमजोर पड़ गए, तो धीरे धीरे कई भागों में बट गया, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजाओं का शासन शुरू हो गया। जैसे अजमेर में चौहान आ गए, कन्नौज में गहड़वाल आ गए ठीक है, मालवा में परमार आ गए ठीक है, बुंदेलखंड में चंदेल हो गए, जबलपुर के पास कलचुरी हो गए, गुजरात में चालुक्य हो गए, दिल्ली में तोमर हो गए, और बंगाल और बिहार का जो शासन है वो पालों के पास है और सेनों के पास है। पाल और सेन, ध्यान रखिएगा, धर्मपाल, देवपाल, ऐसे गोपाल ऐसे हैं लोग, और सेन में लक्ष्मण सेन ऐसे कुछ हैं, तो इनके पास है। लेकिन ये बहुत ताकतवर हैं, ये जो कौन है गढ़वाल जो है, कन्नौज के जो गढ़वाल हैं ये ताकतवर हैं,
ये लोग धीरे धीरे आक्रमण करेंगे और बिहार से पालों को बाहर कर देंगे और बिहार पे भी इनका शासन हो जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। ध्यान रखिएगा, जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था किस पर, बंगाल वगैरह पर, तो यही सेन वंश का शासक ही था वहां पर, लक्ष्मण सेन। सेन वंश का शासक ही लक्ष्मण सेन था उस समय वहां पर, जो भाग जाता है, ठीक है, और बख्तियार खिलजी पूरा तहस नहस कर देता है सब। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा याद रखना है इसको, बस बार बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा कि कौन कहाँ पर है, जिससे आइडिया मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, जो गढ़वाल वंश है उसका अधिकार बिहार में मुंगेर से लेकर दिल्ली तक फैला था, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था गोविंद चंद्र, मतलब जयचंद्र जो है वो बाद में आया है गढ़वाल में, कन्नौज का जो था, पहले गोविंद चंद्र था, ठीक है ना। और इसने कन्नौज को राजधानी बनाया था और बनारस से, अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, मोहम्मद गोरी ने जब महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया हुआ था, तो आपने देखा था कि वो पूरा मथुरा कन्नौज सबको लूटे हुए बनारस तक भी गया था, ठीक है, मंदिर वगैरह जो सब लूटे गए थे। तो ये बड़े संपन्न उस समय थे, तो कन्नौज की जो राजधानी थी, कन्नौज को इन्होंने राजधानी बनाया था जो गढ़वाल वाले थे एक प्रकार से, जयचंद वाला जो क्षेत्र है वो, और बनारस को इसको दूसरी राजधानी बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन लोगों ने रोका था थोड़ा बहुत, है ना, जो गजनवी का आक्रमण था उसको रोका था, लेकिन लास्ट में जयचंद को हरा दिया जाता है और वो फिर खत्म हो जाता है। तो जयचंद गद्दी पे बैठता है और चौहानों की शक्ति से हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब जरा समझिए इसको, जो चौहान है, चौहान के बारे में समझ लो, जो चौहान है असल में वो चौहान असल में गुजरात के राजाओं के जो थे, ये लोग क्या थे, सामंत थे। तो पहले ये लोग सामंत थे, फिर जाकर के ये लोग राजस्थान वगैरह में पहुंच गए। नादौल जो क्षेत्र पड़ता है या नागौर कहा जाता है, ये राजस्थान में पाली क्षेत्र में पड़ता है राजस्थान के, तो इसको राजधानी बनाया था चौहानों ने। चौहान वंश का जो पहला शासक है वो है वासुदेव, ध्यान रखना है, चौहान वंश का जो पहला शासक है वो वासुदेव है, और फिर इसके बाद गद्दी पर बैठे हैं अरुणोराज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सबसे ताकतवर या प्रतापी शासक कहा जाता है चौहान वंश का, वो कहा जाता है विग्रहराज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं, इनको मत भूलना, विग्रहराज याद कर लेना, विग्रहराज। तो इनको विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है या विशलदेव कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत प्रतापी शासक हैं। तो स्थापना किए चौहान वंश की वासुदेव ने, दूसरे हैं अरुणोराज, लेकिन जो प्रतापी शासक है वो विग्रहराज हैं, जिन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा किया, अजमेर को बसाया। अब देखिए आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, अजमेर जो आज का है उसको बसाने वाले कौन है, अजमेर को बसाने वाले विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर इन्होंने इसको राजधानी बना लिया था, पहले नादौल को राजधानी बनाया था जिसको नागौर भी कहा जाता है जो राजस्थान में, फिर इसके बाद इन्होंने अजमेर को बसाया और उसको अपनी राजधानी बना लिया। तो पहले चौहानों की जो राजधानी है वो नादौल रही है और बाद में वो राजधानी अजमेर हो गई है, ठीक है। अब समझिए यहाँ से, अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय और अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया है किसने, विग्रहराज ने। तो विग्रहराज ने एक संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था अजमेर में और एक अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया है, ठीक है ना, ये चीज चल रही है। और इन चौहानों का जो लड़ाई चल रही है वो गढ़वाल से चल रही है, ध्यान रखिएगा, गढ़वालों से इनकी लड़ाई चल रही है जो जयचंद वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, किया दोनों ने है लेकिन दोनों का आपस में बन नहीं रहा है। अच्छा, विग्रहराज ने दिल्ली को 1151 में तोमरों से छीन लिया है। देखो 1151 अभी मोहम्मद गोरी का आक्रमण नहीं हुआ है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण अभी नहीं हुआ है, ठीक है, 1151 की बात करिए। तो इस समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया है चौहानों ने, तो इसलिए हमने आपसे कहा था कि अजमेर पे तो ये पहले से थे ये लोग, तो अजमेर और दिल्ली इन दोनों पे अधिकार चौहानों का हो चुका है गौरी के आने से पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से चलता रहा। और एक और वंश उस समय चल रहा है परमार, देखो ऊपर हमने आपको बताया है मालवा के परमार, ये जो मालवा के परमार है, मालवा एमपी का क्षेत्र पड़ता है, तो जैसे अजमेर में चौहान है उसी तरह से मालवा में परमार है, ठीक है। तो ये भी बहुत शक्तिशाली है और इनका एक शक्तिशाली शासक है भोज, राजा भोज। एक सुने होंगे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, सुने हो ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये जो राजा भोज हैं ये एक्चुअल में काफी प्रतापी शासक हैं, ठीक है, ये परमार वंश है जो मालवा में चल रहा है, ये उसी समय है जो आपका चौहान वंश चल रहा है, उसी समय राजा भोज का समय चल रहा है, ठीक है।
तो इनका है राजधानी धार है, थोड़ा थोड़ा बस पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका जो संस्थापक है वो उपेंद्र है, संस्थापक कौन है, उपेंद्र है, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इसमें जो आपको ध्यान रखनी है। ये जो नोट्स है, जो जरूरी जरूरी चीज है उसको नोट कर सकते हो, बाकी पढ़ा जाता है, किताब को लिखा कभी नहीं जाता है, किताब को 4-5 बार पढ़ी जाती है चीजें, और हिस्ट्री को खास तौर से। तरीका यही है, आप जो भी किताब रखते हो उस किताब को कम से कम 4 से 5 बार उसको पढ़ डालिए पूरा, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, सब। ये बहादुरी नहीं होती कि उस किताब को उठाए और उसी को लिखना चालू कर दे कॉपी में। नोट्स दूसरे तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे हम आपको नोट्स जो दे रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, समथिंग नोट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं, और पूरा लिखा नहीं जाता कभी भी, उसको किताब से पढ़ा जाता है, उसमें जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वो आपको ध्यान दी जाती है। तो अब यहाँ से इस पेज से इतना सार निकलता है कि एक्चुअल में जो चौहान है, चौहान में जो विग्रह राज है, विग्रह राज ये काफी प्रतापी शासक हैं जो पृथ्वीराज चौहान से पहले हैं, पृथ्वीराज चौहान अभी नहीं आए, पृथ्वीराज चौहान अभी बाद में आएंगे, और विग्रह राज चतुर्थ या विशल देव जिनको कहा जा रहा है, यही वो शासक है जिन्होंने अजमेर वगैरह को बसाया है और उसको अपनी राजधानी बनाया है, ठीक है। इन्होंने एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की है, ये मेन पॉइंट है जो विग्रह राज से याद रखना है, क्लियर। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इस संस्कृत महाविद्यालय को तुड़वा देगा, इनके पास और कोई काम ही नहीं है, बनवा तो कुछ सकते नहीं है, बस केवल तोड़ना इनके पास काम रह गया है। इतना बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय विग्रह राज ने बनवाया था, जहां संस्कृत का शिक्षा केंद्र था, वो सब दिया जाता था, आया कुतुबुद्दीन ऐबक, उनने इसको तोड़ दिया, और इसको बनवाया उसने 2.5 दिन का झोपड़ा। एक तो इनके नाम ऐसे हैं कि खत्म है बिल्कुल, आता जाता कुछ नहीं इनको, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया उसको, और वो संस्कृत महाविद्यालय, इतना बड़ा संस्कृत महाविद्यालय बना था, उसको 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दे दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, तो उस विद्यालय को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया है, और उसी को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया है। आपको बता दें कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, इवन जो मुस्लिम कंट्री है वहां भी मस्जिद इतनी नहीं है जितनी भारत में है। लगभग 3 लाख से ऊपर मस्जिद है जो भारत में है, और वो आधे से ज्यादा किसी न किसी चीज को तोड़ के बनाई गई है। तो कुछ खंडहर तैयारी उन पर है, और कुछ अपना अलग से बनाई गई है। तो जैसे ये जो था विद्यालय, इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको 2.5 दिन में तैयार कर दिया गया था। 2.5 दिन का मतलब होता है 24 दुनी 48 और 12 60 घंटे, कितने हो गए, 60 घंटे हो गए ना, 2.5 दिन का मतलब 24 दुनी 48 और 12 60, हाँ, तो 60 घंटे में इसको तैयार किया गया था, तो इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अब 60 घंटे में तुम कैसे तैयार कर लोगे भाई, इतनी बड़ी तुम देखोगे ना, इतना बड़ा वो एरिया है 2.5 दिन का झोपड़ा, और कोई कहते 2.5 दिन में कर दे, वो असल में पिलर वगैरह सब वही रखे गए, उसके ऊपर का केवल तोड़ करके उसके ऊपर बना दिया गया है उसको, ठीक है। तो असल में उसको विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाया है, विशल देव जो चौहान वंश के शासक हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौहान वंश के शासक है विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अच्छा, अजमेर में है भाई, अजमेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अरे बता तो रहे, चौहान अजमेर के ही तो हैं, तुम लोग को समझा क्या रहे हम, तुम लोग कौन सी कहानी समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, इतनी देर से बता रहे कि चौहान जो है उनका शासन अजमेर में चल रहा है, मतलब तुम लोग गजब स्टूडेंट हो भाई। तो अजमेर में शासन चल रहा है, ठीक है, तो अजमेर में ही वो क्षेत्र है। एक दूसरे राजा को हमने आपको बताया है, परमार वंश के जो राजा भोज हैं, बताया ना आपको राजा भोज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली, सुने हो कि नहीं सुने हो, थोड़ा बहुत सुने हो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली। तो राजा भोज बहुत प्रतापी शासक हैं और काफी मतलब सही माने जाते हैं। तो जिस तरह से विग्रह राज चतुर चौहान उसमें है, उस तरह से परमार वंश जो मालवा का क्षेत्र है एमपी का, उसमें राजा भोज है। दोनों बहुत अच्छे शासक हैं, दोनों कवि प्रेमी हैं, दोनों साहित्य को पसंद करते हैं, दोनों विद्वानों को पसंद करते हैं, और इवन विग्रह राज चतुर्थ ने एक नाटक भी लिखा है जिसका नाम हरिकेली है ना। और राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया था अपने क्षेत्र में एमपी में, धार उनकी राजधानी है, धार या धारा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, और बाद में इसको व्हाट्सएप पर जो शेयर किया उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, पहले सुन लो। तो राजा भोज जो है उन्होंने धार जो उनका राजधानी है
उस पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया है, सरस्वती देवी का मंदिर था, सरस्वती देवी का मंदिर। आज की डेट में ये सरस्वती देवी का मंदिर भी एक मस्जिद के अंदर है, उसका नाम है कमाल मौला मस्जिद, ठीक है। तो इस जो सरस्वती मंदिर है उसको भी एक मस्जिद के अंदर ले लिया गया है और उस मस्जिद को बनवाया गया है, कमाल मौला मस्जिद बोला जाता है उसे। तो जो दोनों मेन मेन चीजें हैं दोनों मस्जिद के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है, इस समय तक, जब इसके बाद अटैक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह का, तो उसके पहले तक ये बहुत सब कुछ सही चल रहा है। तो ये चीजें हो गई, तो दोनों ध्यान हो गया। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है समझ में आ गया, वो संस्कृत महाविद्यालय के ऊपर बना, और जो सरस्वती देवी मंदिर है वो कमाल मौला मस्जिद के अंदर परिसर में आ गया। तो ये दो शासक है जो चौहान वंश के शासक आपके चल रहे हैं। तो चौहान वंश में आपका विग्रह राज चल रहा है और परमार वंश में जो चल रहा है वो आपका राजा भोज चल रहा है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, समझ में आई बात। जब ये अटैक चल रहा है गजनवी और गौरी का, तो इस समय ये लोग शासन कर रहे हैं भारत में, वो लोग उधर से आक्रमण कर किए हुए हैं, और भारत पे जो एक्चुअल में शासन चल रहा है वो इनका चल रहा है। हम फिर से नाम जल्दी से बता देते हैं। अजमेर में चौहान वंश का शासन चल रहा है, गुजरात में चालुक्य का शासन चल रहा है, मालवा में परमार वंश चल रहा है जो एमपी का क्षेत्र है, कन्नौज पे गढ़वाल वंश चल रहा है जो जयचंद्र वहां का राजा है, बंगाल में पाल और सेन वंश का शासन चल रहा है, समझ आ रही है बात। दिल्ली में जो है वो आपका तोमर वंश का शासन चल रहा था जिसको चौहानों ने ले लिया अपने अंदर में। तो ये मेन क्षेत्र है, समझ गए सब लोग कि भारत में इस समय हिंदू राजाओं का कौन सा शासन चल रहा है। तो ये लोग चल रहे हैं, लेकिन ये लोग बटे हुए हैं, ये लोग संगठित नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व तो आपने देखा है एक चंद्रगुप्त मौर्य का, गजब का शक्तिशाली केंद्रित नेतृत्व है, पूरे भारत को उसने केंद्रित किया था। एक आगे चलोगे तो आपका गुप्त काल में भी चीजें समझ में देखने को आई थी। उसके बाद अगर देखोगे तो हर्षवर्धन ने काफी हद तक, हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत को कनेक्ट करके रखा था, पूरा उत्तर पश्चिम भारत हर्षवर्धन ने अपने उसमें रखा था, इसलिए अटैक उस तरह से नहीं हो पाए। आगे चल के गुर्जर प्रतिहार ही एक ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने अरबों के आक्रमण को रोका था अंदर आने से, इसलिए अरब नहीं आ पाए थे अंदर, वो बाहर ही रह पाए पंजाब या सिंध का क्षेत्र। गुर्जर प्रतिहार जब टूट जाएंगे या विखंडित हो जाएंगे, तो ये जो छोटा छोटा क्षेत्र दिख रहा है आपको, गुजरात में अलग दिख रहा है, राजस्थान में अलग दिख रहा है, मालवा में अलग दिख रहा है, कन्नौज में अलग दिख रहा है, बंगाल में अलग दिख रहा है, ये है गड़बड़। ये लोग संगठित नहीं हो पाएंगे, और गौरी और गजनवी को मौका मिल जाएगा आक्रमण करने का, ठीक है, तब ये आक्रमण हो जाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये चीज चल रही है, उस समय का घटनाक्रम ऐसा चल रहा है। हमारी बात समझ में आई कि इस समय क्या चल रहा था, पूरी स्थिति, ठीक है। और अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जो बात होगी, जब गौरी अटैक वगैरह कर चुका है, इसकी बात हम पीछे कर चुके हैं आपसे, गौरी वगैरह की बात हो चुकी है, मोहम्मद गौरी की बात कर चुके हैं, महमूद गजनवी की बात कर चुके हैं, अब उनके जो दास हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह वो लोग आएंगे, है ना उसमें। चलो इसमें एक और छोटी सी बात बता देते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध गौरी से हुआ है, इससे पहले इनका युद्ध हुआ है चंदेल राजाओं से। तो चंदेल राजाओं से इनका युद्ध हुआ है, और उसमें से चंदेल का मतलब कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र महोबा है, झांसी है, ठीक है, और बांदा, ये सब जो क्षेत्र आता है ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो उस समय चंदेल राजाओं का शासन चल रहा था, और महोबा उनकी राजधानी थी, पहले खजुराहो राजधानी थी, फिर महोबा राजधानी बन गई। महोबा में दो बहुत फेमस सेना नायक है, आल्हा और उदल। अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ा भी सुना होगा तो आल्हा और उदल का नाम आप जानते होंगे, बहुत ताकतवर सेनापति। और आज भी कहा जाता है कि वहां पे कोई मंदिर है जहाँ पे आल्हा उदल आते हैं, और उनके उस पर त्योहार वगैरह बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है, महोबा के उस पर। तो अब जो बांदा के आसपास के क्षेत्र के होंगे, हो सकता है वो लोग जानते हों, ठीक है ना, क्योंकि बांदा और महोबा बहुत दूर नहीं है। तो बांदा हो गया, महोबा हो गया, उधर हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, खजुराहो हो गया, छतरपुर का एरिया हो गया, ये सब क्षेत्र आपके जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ते थे। तो उसके एक राजा है परमल देव, और या तो परमार्दि देव, चंदेल राजा हैं, और उनके ये दो सेना नायक हैं आल्हा और उदल, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान ने इन पर आक्रमण किया है, पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा और मतलब चंदेल राजा पर, महोबा पर आक्रमण किया इन्होंने। तो वहां पर जो आल्हा उदल बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वो मारे गए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और ज्यादा मतलब शक्तिशाली थे। पृथ्वीराज चौहान वहां से ही बहुत ताकतवर शासक थे, अगर कोई साथ दे दिया होता तो मतलब हरा ही दिया होता, अगर जयचंद वगैरह धोखा ना दिए होते तो हो जाता। तो पृथ्वीराज चौहान जो है उन्होंने आल्हा और उदल वगैरह को हराया था,
और आल्हा उदल इतना ताकतवर और इतना अच्छा सेनानायक था कि जिनके उसमें आज भी मेला वगैरह त्योहार वगैरह लगता है, ठीक है। और इसकी जानकारी मिलती है परमाल रासो में, जिसको जगनिक ने लिखा है। तो एक आपको बताया हमने पृथ्वीराज रासो, और एक बताया हमने आपको परमाल परमाल रासो। ये हम दे देंगे, बताया ना, नोट्स है हमारे पास, हम शेयर कर देंगे, उसको पढ़ लेना, जगनिक जगनिक ने लिखा है उसे, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझनी है। चलिए अब समझिए, जयचंद्र साथ नहीं दिया है, वो केवल उसका रीजन सहयोगिता नहीं है, उसका रीजन एक और है कि जब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों पर आक्रमण किया था महोबा पर, तो उस समय जो कन्नौज का राजा जयचंद है उसने साथ दिया था चंदेलों का, चंदेलों का साथ दिया था, मतलब आल्हा उदल लोग से इसकी तरफ था, परमार्दी देव के साथ। तो ये एक और दुश्मनी का कारण था जिसमें चौहान का साथ न देकर के उन्होंने उसका साथ दिया था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। तो दुश्मनी बहुत पहले से चली आ रही थी, है ना, ऐसा नहीं है कि वो संयोगिता की वजह से हुआ था। दूसरा, राजपूत राजाओं में एक कहा जाता है, ऐसा बुक्स में ही है, और अब हम देखो, हम अपनी तरफ से देखो कुछ नहीं बताते हैं, हम कोई भी अगर पॉइंट आपको बताते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो, तो वो बुक्स के द्वारा है। अगर आपको वो सोर्स चाहिए होगा तो हम बुक्स का सोर्स दे देंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा, हम आपको राइटर बता देंगे, बुक बता देंगे, आप पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। तो हम अपने मन से कुछ भी नहीं बताते हैं। तो जब ये इसमें हुआ है, मतलब जयचंद वगैरह का जो था, पृथ्वीराज चौहान का साथ इन्होंने नहीं दिया। और राजपूत राजाओं में एक और कहा जाता है, सतीश चंद्रा की बुक में ही लिखा हुआ है कि राजपूत राजा जो थे वो एक, जैसे दशहरा का त्योहार जब हुआ करता था, तो दशहरा के त्योहार के बाद ये लोग क्या करते थे कि उसको अच्छा शासक माना जाता था जो उस त्योहार के बाद अपने पड़ोसी राज्यों पर हमला कर देता था, ऐसा लिखा हुआ है उस बुक में, सतीश चंद्रा की बुक में। तो उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि जब दशहरा का त्योहार होता था तो उसके बाद राजपूत राजा जो है अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर देते थे, इसको ये लोग अच्छा मानते थे, अपने ताकत का प्रदर्शन मानते थे, ठीक है। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों पर अटैक हो जाया करता था, होता था। तो अब कन्नौज का राजा भी, जयचंद भी चाहता था कि मेरा क्षेत्र आगे बढ़े, चौहान भी चाहते थे हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, और ये लोग दोनों लोग पंजाब के क्षेत्र में जाना चाहते थे। तो ये कई सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच नहीं बनी, और उसमें से एक रीजन संयोगिता की भी बीच में ऐड हो गई थी। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। तो ये पूरा समय चल रहा है राजपूत काल का। कहानी पूरी समझ में आ गई, कार्य पूरी समझ में आ गई, ये जो गजनवी गौरी और ये राजपूत काल चल रहा है, अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया, ठीक है। यही वो समय है जिसको मंदिर काल का समय कहा जाता है, मंदिर काल का समय कहा जाता है, 800 से 1200, 800 क्या मेन मंदिर काल का समय, हाँ 800 से 1200 के बीच का जो समय है, ये बेहतरीन मंदिरों का निर्माण हुआ है। आज के जो भी आप मंदिर देख रहे हैं, ये जितने मंदिर का निर्माण हुआ है ये 800 से 1200 के बीच हुआ है, और इनके निर्माण का श्रेय राजपूत राजाओं को जाता है। राजपूत राजा कौन? चंदेल, परमार, ततिहार, चौहान, चालुक्य, यही लोग तो राजपूत राजा हैं। तो पूरे भारत में इस समय राजपूत राजाओं का ही शासन चल रहा है, जो पूरा उत्तर भारत है। तो मंदिरों के निर्माण का श्रेय राजपूत राजाओं को ही जाता है, जो आज के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनमें जो सबसे फेमस मंदिर है वो आप जानते होंगे, आपके खजुराहो के मंदिर, गजब के मंदिर हैं खजुराहो के मंदिर जो बने हैं। अगर कभी जाने का मौका मिले तो देखिएगा उसको, नहीं तो नेट पर सर्च कर लीजिएगा, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया है, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार कर लिया है। एक सबसे खराब आदत इन लोग की ये थी कि तुड़वा देते थे चीजों को। 85 मंदिरों का समूह था खजुराहो, जिसमें से आजकल 25 मंदिर का समूह बचा है, और बेहतरीन कला का नमूना है ये, जिसको यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया है, यूनेस्को की विरासत में शामिल खजुराहो। आज तक अब इस तरह के मंदिर बनाना बहुत ही टफ है, और तहस नहस कर दिया था उसको भी, फिर भी आज बचा हुआ है, करीब 85 में से 25 बचे हुए हैं अभी, 25 मंदिरों का समूह है। और काफी अच्छे अच्छे मंदिर अभी वहां पर देखने को मिलेंगे, विश्वनाथ मंदिर, ये काशी विश्वनाथ नहीं है, वहां पर भी एक विश्वनाथ मंदिर है खजुराहो में, सूर्य मंदिर है वहां पर, लक्ष्मण मंदिर है, पार्वती मंदिर है, ठीक है, जगदम्बा मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है वहां पर जो खजुराहो है। तो वो राजपूत राजाओं ने बनवाया है जो नागर शैली में बना है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागर शैली जो मेन यूज की गई थी, नागर शैली, तो इसमें ये बना है, खजुराहो के मंदिर है उस समय के। और आपका अगर हम बताएं तो उड़ीसा के जो मंदिर है आपके, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर हो गया,
जगन्नाथ मंदिर हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, ये सब राजपूत काल के समय के हैं, यही 800 से 1200 के बीच के समय के ये लोग हैं, ठीक है। और चंदेल राजाओं ने उधर बनवाया, खजुराहो वगैरह, और इस तरफ दूसरे राजाओं ने बनवाया। तो ये एक छोटा सा आइडिया है भाई, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, एक छोटा सा आइडिया है। अच्छा, ये इस नोट्स में है, जो नोट्स हमने आपको शेयर किया है उसमें एक्चुअल में वो है, ठीक है। तो इसको अगर डिटेल में आपको पढ़ना हो तो आप डिटेल में देख लीजिएगा उसे थोड़ा सा, है ना। देखो, पढ़ना जरूर, छोड़ना मत, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान देने होंगे। दिखाते हैं आपको, ये है देखो, ये जो 8वीं सदी के बाद, खासकर 10वीं 12वीं सदी के बीच के काल को हम लोग मंदिर निर्माण का काल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो बने हुए हैं सब नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली में क्या होता है कि नागर शैली में देखो, अगर जानना है ना तो राम मंदिर वाला जो वो बन रहा है ना, उसको समझ, उसको पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा नागर शैली क्या होती है। तो नागर शैली में एक गर्भगृह होता है, उस गर्भगृह के ऊपर एक मंडप बनवाया जाता है, ठीक है, एक मंडप बनता है, यहाँ मेन गर्भगृह होता है। फिर इसके बाहर जब जाओगे इधर, तो फिर छोटे छोटे मंडप बनाए जाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे चबूतरा टाइप का होता है, इस तरह से होता है, तो ऐसे रहता है। तो ये नागर शैली का होता है, ठीक है, इस तरह से चीज। तो मेन गर्भगृह होता है, और ये ज़्यादातर चौकोर साइड में, चौकोर टाइप का होता है ये। अच्छा, जो एक विमानन शैली होती है, तो विमानन शैली में क्या होता है कि विमानन शैली में ऐसे स्टेप बाई स्टेप बनवाया जाता है, ऐसे ऐसे स्टेप बाई होता है, ठीक है ना। तो कुछ ये इस तरह से चलता रहता है नागा, वो जो विमानन शैली होती है। तो ये ज़्यादातर जो है नागा शैली में ये बने हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको, बाकी पढ़ लेना आप सब लोग, ठीक है। इसमें से जो मेन है वो आप जब देखोगे तो ये खजुराहो का जो मंदिर है आपका, पार्श्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ है, कंदरिया महादेव बहुत फेमस है, कंदरिया महादेव मंदिर, ध्यान रखिएगा, ये शंकर भगवान का है, कंदरिया महादेव मंदिर। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है, वहाँ पर पार्वती मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, है ना, सूर्य मंदिर, कई सारे मंदिर है वहाँ पर, ठीक है। उड़ीसा में जो एक इसका एग्जाम्पल है वो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, लिंगराज मंदिर है, और आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये सब नागर शैली के ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, है ना, ये इसी समय के हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कोणार्क मंदिर पे इवन इन लोगों ने थोड़ा सा कोणार्क मंदिर को भी नुकसान पहुँचाया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने थोड़ा सा अच्छा काम किया कोणार्क मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए। अंग्रेजों का थोड़ा सा ये था कि ये लोग ज़्यादातर मंदिर वगैरह नहीं तोड़ते थे, लेकिन ये जो बाहर से अटैक होता था, इन लोग का एक मेन काम था मंदिर को तोड़ना। और मंदिर ऐसे नहीं थे, आप लोग अभी समझ नहीं पाओगे, जब आप समझोगे ना सोमनाथ मंदिर को, सोमनाथ मंदिर कई गांवों पर शासन करता था, सोमनाथ मंदिर कई गांवों के विकास के कामों को देखता था, सोमनाथ मंदिर लगभग कुछ नहीं तो 200 गांव उसके क्षेत्र में आते थे, जिसका भरण पोषण करना, जिसके उन्नति में करना, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक चीजों को देखना सोमनाथ मंदिर के हिस्से में था। तो सोमनाथ मंदिर और ये जो उस समय के हुआ करते थे, ये लोग बहुत बड़े लेवल पे काम किया करते थे उस समय, ठीक है, इसलिए लोग धनी हुआ करते थे, राजा इसको दान दिया करते थे, क्योंकि ये लोग उस तरह के क्षेत्र को किया करते, ये सबको पता था उस समय कि मंदिर की मंदिरों से ही ये सब चीजें चल रही हैं, इसलिए सीधा अटैक मंदिरों पे होता था, क्योंकि उनके पास भले आदमी कुछ ना करता हो लेकिन वो सोना चांदी दान मंदिर को दिया जाता था, जिससे कि वो सारे काम चलाते रहे। तो इस तरह से चीजें चला करती थी उस समय, तो सीधा अटैक मंदिरों पर ही होता था, जो बड़े बड़े मंदिर थे, चाहे वो काशी की विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे आपका कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर रहा हो, कोई भी रहा हो, तो इस तरह से चीजें चला करती थी। कोणार्क के सुंदर मंदिर को बचाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, वहां पर कुछ मूर्तियां थी जो र्यून हो रही थी, तो उसको उन्होंने दरवाजों में बंद करा के बालू भरवा दिया था, इस वजह से वो मूर्तियां आज भी सुरक्षित देखने को मिलती हैं कोणार्क के अंदर। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक सूर्य भगवान को समर्पित है, जिसपे 12 रथ हैं, 12 पहिए हैं, रथ के 12 पहिए हैं, और 7 घोड़े उसको खींच रहे हैं। उन पहियों पर 8 चक्र के सीलियां बनी हुई हैं, जिसको दिन का 8 पहर कहा जाता है, मतलब जो 8 पहर होता है वो बना हुआ है। मतलब है उन चीजों का, जो आप लोग समझते नहीं है, बस आप लोग बस केवल एक खंडहर समझते हैं, जब पढ़ोगे या चीजों को समझोगे तो समझ में आएगा कि उनके मतलब क्या है। जब आपको कोई इतिहास पता नहीं तो आपको कुछ चीजें पता ही नहीं होती, बस आप सुनी सुनाई बातें आप दूसरों की समझते हैं कि ऐसा था ये वैसा था। तो ये चीजें उस समय थी, ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई सबको। अच्छा, ये पूरा काल आपका चल रहा है, तो ये हो गया खत्म पूरा आपका, ये
जो समय चल रहा था, एक लेक्चर हमको आज वैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ाना था, लेकिन हमने कहा कि चलो इस समय का जो चल रहा है राजपूत काल, वो भी आपको समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। समझ में आई बात? अच्छा, अब यही वो समय है गौरी के टाइम का ही वो समय। देखो आगे आप भले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का समय है तुर्की और अरब का आक्रमण, इसको तुम जितना ज्यादा समय दे दोगे, जितना अच्छे से समझ लोगे, तुम्हारा पूरा मध्यकालीन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे अगर यहाँ कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गए, अगर तुम्हारा ये अरब आक्रमण और तुम्हारा वो तुर्की आक्रमण, ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गए, आगे चल करके तुम इसी में कंफ्यूजन हो जाओगे कि तुर्की कौन थे, अफगानी कौन थे, कहाँ से आए थे, तुमको यही नहीं पता चलेगा। समझ गए? लास्ट तक तुम परेशान रहोगे इसी में। इसलिए शुरुआत के जो है इनको समझना बहुत जरूरी है कि असल में लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और कौन कौन था इस समय। ठीक है, तो गौरी के समय ही, मोहम्मद गौरी के समय ही, हाँ मोहम्मद गौरी के समय ही, जब मोहम्मद गौरी इसमें आया है। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मोहम्मद गौरी का की मृत्यु कब हुई है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई है? भैया इंडिया बहुत डेवलप कंट्री था, बता तो रहे हैं, इंडिया सोना चांदी हर कोई जानता था कि भारत में है, सब लूटा ही तो गया है, इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप था। चाइना के जो इकोनॉमी है उससे बहुत ऊपर इकोनॉमी थी इंडिया की, बहुत ज्यादा ऊपर थी। ठीक है, बारह सौ छह में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी जब भारत आया था तो उस समय उसी के आसपास सूफी संत लोग भी आए, सूफी संत लोग आए, सूफी संत वो लोग हैं जो एक प्रकार से धार्मिक गुरु समझ सकते हो, मुस्लिम कम्युनिटी में सूफी संत वगैरह। तो जैसे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का अगर नाम सुने हो आप लोग, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुने हो? अजमेर में, अजमेर में दरगाह है उनकी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुने हो कि नहीं? ठीक है, तो ये जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये अजमेर में वहीं पर है, ये सूफी संत है, ये लगभग इसी समय आए हुए मोहम्मद गौरी के समय। ठीक है, एक शब्द होता है खानकाह, खानकाह जो शब्द होता है, छोटे छोटे शब्द बता दें इसलिए हम बार बार शब्द बताते हैं, उसको याद रखना हमेशा। एक शब्द हमने गाजी बताया था, वो बीच में जब आएगा तब समझिएगा, और पूरी कहानी होगी तो हम समझा देंगे बाद में। एक खानकाह शब्द होता है, खानकाह वो होता है जहां पर सूफी संत आकर रहते हैं। तो जैसे अगर कोई बोलेगा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो खानकाह है वो कहाँ पर है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो खानकाह है वो अजमेर है, इसका मतलब जो उनका निवास स्थान था वो अजमेर है। ठीक है, दरगाह भी उनके अजमेर में है, दरगाह भी हमने आपको समझा दिया था। दरगाह ज्यादातर उनका बनाया जाता है जो एक सूफी संत या जो बहुत पहुंचे हुए पीर फकीर लोग होते हैं उनका बनवाया जाता है दरगाह। बाकी जैसे राजा वगैरह या शासक होते तो मकबरा बनवा लेते थे, तो इनका दरगाह बना हुआ है अजमेर में, और इनका जो खानकाह है जो निवास स्थान था वो भी अजमेर में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य हैं, वैसे तो दो शिष्य हैं उनके, लेकिन एक शिष्य जिनका नाम आपको ध्यान रखना, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी हैं। ठीक है, बख्तियार काकी, इन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के समय ही आपके सूफी संत आए हुए हैं जो हैं आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी कहानी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनका खानकाह अजमेर में है, ध्यान रखिएगा निवास स्थान, उनका दरगाह भी वहीं पर है, और इनका एक शिष्य है बख्तियार काकी। तो सब लोग सोचते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण करा, बट ऐसा नहीं है, वो एक्चुअल में बख्तियार काकी के नाम पर उन्होंने शुरू करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण, जो कि कंप्लीट नहीं करवा पाए, कंप्लीट करवाया है इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन जो कंप्लीट करवाया है वो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, ये चीज है। तो ये एक ऐसी चीजें चल रही हैं जो ये मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की चल रही हैं। समझ में आ गई सबको बात? ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझना है।
अब आप समझिए कि मोहम्मद गोरी के चार दास जो थे, उन दासों का नाम हमने पिछली क्लास में बताया था और समझना उसको, एक है उसका दास कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा दास है उसका कौन, बख्तियार खिलजी, तीसरा दास है उसका कौन, जालदौजा, और चौथा दास है उसका कौन, खुबाचा। समझ में आई बात? चार नाम पीछे भी बताए थे हमने, ठीक है। अभी शुरुआत के चैप्टर में हम थोड़ा समय दे रहे हैं, फिर आगे चल करके हम समय थोड़ा कम कर देंगे, ध्यान रखिएगा। इस समय थोड़ा डिस्क्राइब कर दें सारी चीजें, जिससे चीजें समझ में आने लग जाए आगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन चल रहा है वो लाहौर से चल रहा है, लाहौर से, ठीक है। तो क्या लिखे हो, 1206 खोखर जनजातीय धोरा, खोखर जनजातीय धोरा, क्या पूछना चाह रहा पंकज, पूछना क्या चाह रहे हो? तुम लोग कुछ जो पूछना चाहते हो वो थोड़ा सही से लिखा करो, बस लिख दियो खोखा जन। अच्छा, तुमने मृत्यु का लिखा है, रे कसम से। तो मतलब भारत से, हाँ, खोखर जनजाति को जब वो हरा करके वापस लौट रहा होता है तो उसको मार देते हैं बीच में, ठीक है। अरे हम कहाँ पहुंच गए, तुम पीछे उधर खोखर जनजाति पे पड़े हो अभी। है? तो चार वो लोग हैं, दिल्ली सल्तनत की गद्दी अब शुरू होगी। ध्यान रखिए, गया दिल्ली सल्तनत में कई वंश आएंगे, गुलाम वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा, लोदी वंश आएगा। तो करीब करीब जब दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखो गौरी ने पूरा अधिकार तो कर ही लिया है, अजमेर वो जीत चुका था, दिल्ली पर उसने अधिकार कर ही लिया था, ग्वालियर उसने जीत लिया था, बयाना उसने जीत लिया था, कन्नौज पे अधिकार हो गया था उसका, बंगाल बिहार सब जीत लिया है उसने, पंजाब मुल्तान पेशावर नगरकोट नंदनपुर काबुल सब जीत लिया है, पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र लगभग जीत चुका था वो। तो दिल्ली सल्तनत यही से शुरू होती है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। तो दिल्ली सल्तनत पे कई वंश शासन करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पे पहले तो शासन करेगा गुलाम वंश, क्यों, क्योंकि मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक बैठेगा। गुलाम वंश के बाद फिर आ जाएंगे आपके ये लोग खिलजी वंश लोग आ जाएंगे, तुगलक वंश आ जाएगा, फिर आपका सैयद वंश, लोदी वंश, ऐसे करके आएंगे कुछ लोग। एक एक करके हम लोग इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका हम लोग गुलाम वंश है, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, शुरू हम कल करेंगे इसको, है ना। चलिए देखते हैं जरा। थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको, गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। ये नहीं, ये नहीं, ये वो शासक हैं। देखो यही हम लोग शुरू करेंगे, गुलाम वंश। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई है, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी और फिर शासक बैठेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कौन बैठेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 से 1290 के बीच का जो समय है ये समय है गुलाम वंश का, 1206 से 1290 के बीच का जो समय है गुलाम वंश का। और ये अब हमारा शुरू हो रहा है दिल्ली सल्तनत, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहला जो शासन होगा वो गुलाम वंश का होगा, फिर गुलाम वंश के बाद आपके अलग अलग आएंगे, फिर आपका खिलजी वंश आएगा, फिर खिलजी के बाद तुगलक वंश आ जाएगा, फिर आपके आगे चल करके सैयद लोदी ये लोग आएंगे। तो सबसे पहले दिल्ली पे जो अधिकार होगा वो गुलाम वंश का होगा। कब से कब तक होगा? 1206 से 1290 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हैं वो शासक जो गुलाम वंश के शासक हैं जो करेंगे। तो सबसे पहले बैठेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। पढ़ना कौन सा है वो हम बता देते हैं, याद सब कर लेना, क्रम तो सब याद ही रखना ही, आपको पढ़ना कौन ध्यान रखिएगा, जिसको याद करना है। एक तो याद करना है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को, एक याद करना है आपको इल्तुतमिश को, एक आपको पढ़ना है रजिया सुल्तान को, और एक पढ़ना है बलबन को,
बस बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को समझने के लिए आपको इन चार शासकों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इन्हीं चारों से बनते हैं और इन्हीं से बनेंगे ही, ठीक है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान रखिएगा पहला कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कौन, इल्तुतमिश। तीसरा रजिया सुल्तान और चौथा बलबन। ये चार लोग मेन है, बाकी 11 शासक हुए हैं। क्रम आपको याद करना है, सबसे पहले कौन बैठा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कौन बैठा है, आराम शाह, कुतुबुद्दीन का बेटा आराम शाह हो गया। इल्तुतमिश आया है, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया है, रजिया सुल्तान बैठी है, फिर बहराम शाह बैठा है, अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा है, नसरुद्दीन महमूद बैठा है, गयासुद्दीन बलबन, फिर मोइजुद्दीन कैकुबाद और क्यूमर्स। टोटल 11 लोग हैं। क्लियर हुआ, स्क्रीन शॉट ले लो सब लोग, और नोट्स तो वैसे हम शेयर कर ही दिए। तो दिल्ली सल्तनत में जब सबसे पहले गुलाम वंश बैठेगा इस पर, तो गुलाम वंश से इतने शासक होंगे आपके। हमको किनको याद रखना है, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। लेकिन क्रम सबको याद रखना है, पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, क्योंकि क्रम आता है, कभी कभी राजाओं का क्रम आता है शासकों का। तो जैसे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर कौन बैठा है, आराम शाह, उसका बेटा कुछ समय के लिए बैठा है, फिर इल्तुतमिश बैठ गया है, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद फिर कौन आ गया है आपका, इल्तुतमिश के बाद कौन आया है बताओ जल्दी, तब तक हम मैसेज देख रहे हैं। मैसेज क्या लिखे हो सर, चार गुलामों का नाम क्या क्या था, सबके दूसरे से के गुलाम थे। हाँ देखो, चार गुलाम का नाम हमने आपको बताया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यलदौजा और कुबाचा। इसमें से जो गद्दी मिलेगी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलेगी, मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी देकर के चला जाएगा, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, कुबाचा वगैरह की बात करेंगे आगे, अभी इसमें है केवल। देखो किसी ने लिखा है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा था, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बैठी थी या रुकनुद्दीन, कौन बैठा था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा था ना। इल्तुतमिश के बाद कौन बैठा था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान आई है, फिर बहराम शाह वगैरह है ना, और फिर आपका आएगा बहराम शाह के बाद, ठीक है। तो ये कुछ है जो क्रम आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना इस चीज को। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट उसमें। कल ही शुरू करते हैं, ठीक है, कल हम लोग दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर देंगे और गुलाम वंश आपका शुरू कर देंगे कल। तो आज के लिए इतना ही आपका है, ठीक है। देखो दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले जितना आपको बताया है ये रिवाइज कर लेना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जब दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा तो आपकी चीज़ें अब थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे पहले जो कहानी आपकी चल रही है वो सब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो सूफी संत थे, ठीक है, सूफी संत एक प्रकार से धार्मिक गुरु समझ सकते हो, जो भारत में आए, इन लोगों ने एक ईश्वर के बारे में बताया कि एक ईश्वर है, प्रेम की भावना जगाई, हिंदू मुस्लिम को एक करने के उसमें लेके आए, तो इस तरह से लोग थे। मुस्लिम आक्रमण हुआ है, अरब आक्रमण हो गया, तुर्की आक्रमण दोनों हो गए, ठीक है, और उसके बाद इनके ये सब चीजें हैं, सब समझ में आ गया होगा। खत्म करें, चलो कंप्लीट करते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा, कल से हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर देंगे। चलो लीव करो सब लोग।